क्या तुमने कभी एक नॉर्मल प्रोफेशनल और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप देखा है जिसमें तुम गेमिंग भी कर सकते हो? तो आज है अपने पास Acer Aspire 5 2022। तो ये अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग। तो आज कोशिश करेंगे सारी चीजें क्लियर करने की। बस फिर शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आप देख रहे हैं अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो अगर तुम में से कोई भी गाजियाबाद नोएडा या फिर दिल्ली से देख रहा है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें कोई भी लैपटॉप खरीदना तुम्हें एक बेस्ट जगह बताता हूं, तुम जा सकते हो फ्यूचर आईटी जोन और इनके स्टोर्स नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली हर जगह अवेलेबल है। वहां पर तुम्हें काफी अच्छी डील मिल जाएगी लैपटॉप्स की और अगर अपने भाई का दोगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं फोन नंबर और एड्रेस सारी चीजें डाल दूंगा, एक बार चेक जरूर कर लेना, तुम्हारा ही फायदा यार। तो डब्बा खोल लिया जाए फिर, बाहर अपनी एसर की ब्रांडिंग। तो पहले में मिलती है कुछ पुस्तकें, एक वही टिपिकल पावर कोर्ड और एक ये 90 वॉट्स का छोटा सा अडैप्टर और काफी लाइट वेट भी है। पर इसकी पिन देखो भाई, बिल्कुल एकदम पुराने फीचर फोन वाली याद दिला दी। फिर आता अपना लैपटॉप, तो ये रहा अपना लैपटॉप मेटालिक ग्रे कलर में, डब्बे साइड में रखते हैं भाई। जैसा कि मैंने कहा कि प्रोफेशनल लुक है काफी ज्यादा, इसलिए तुम्हें ऊपर से एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है, बीच में छोटी सी एसर की ब्रांडिंग और यहाँ साइड में हल्का सा तुम्हें बंप मिलता है डिजाइन एलिमेंट के लिए और नीचे यहाँ पर एस्पायर लिखा हुआ है, काफी एस्थेटिक लग रहा है। नीचे की साइड एयर इनटेक के लिए वेंट्स दिए हैं और यहाँ से आराम से हीट कॉइल जाती हुई दिख जाती है और यहाँ पर हमें डुअल फैन मिलते हैं कूलिंग के लिए और नीचे की साइड डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं और नीचे की जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है लेकिन जो अपनी अपर लीड है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है और पीछे लेफ्ट साइड पे हमें एक बहुत ही बड़ा एयर एग्जॉस्ट वेंट भी मिलता है। तो अपने पास जो वेरियंट है इसके अंदर i5 12th जनरेशन 1240p जिसमें 12 कोर्स 16 थ्रेड्स है, 4 पी कोर्स और 8 ई कोर्स के साथ। पी का मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस है और ई का मतलब एफिशिएंसी है। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर 4GB का RTX 2050 35W TGP के साथ। काफी लोग सोचेंगे भाई ये कौन सा ग्राफिक कार्ड है भाई, देखते रहो वीडियो ढंग से बताएंगे। रैम है इसके अंदर 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज वाली DDR4 डुअल चैनल रैम और ये मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड हो सकती है। और स्टोरेज अपने पास 512GB की Gen 3 SSD और इसकी रीड राइट स्पीड्स कुछ ऐसी है। और हाँ, लैपटॉप पर मेंशनड है कि ये SSD तुम अपग्रेड कर सकते हो लेकिन कितनी मैक्सिमम हो जाएगी उसका आइडिया मैं नहीं दे सकता क्योंकि खोलने की परमिशन नहीं होती ना हमको। कनेक्टिविटी के लिए इसमें है Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.2 फुल लेटेस्ट एकदम। बिल्ड की बात करें तो जैसा मैंने बताया ऊपर की जो लीड है वो एल्यूमिनियम यानी कि मेटल बॉडी है, तो फ्लेक्स इतना ज्यादा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा अपर लीड के अंदर। और अगर कीवर्ड फ्लेक्स की बात करें तो वो एक प्लास्टिक बॉडी है तो वहां पर हल्का फुल्का फ्लेक्स हमें देखने को मिल जाता है। एंड अगर हिंज की बात करें तो वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि एक हाथ से जब हम ओपन करते हैं तो हल्का सा लिफ्ट होता है लेकिन फिर अपने आप नीचे आ जाता है और जब हम इसे पूरा ओपन कर देते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है वो डिस्प्ले से एलिवेट हो जाता है, जैसा MSI के मॉडर्न 14 सीरीज में था वैसा ही हिंज है इसके अंदर। तो काफी लोगों का डाउट होगा कहीं इसके हिंज जल्दी खराब तो नहीं हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जो अपर लिड है वो एल्यूमिनियम की इसीलिए दी है ताकि वो आराम से इसका वेट संभाल सके। वैसे मेरे को ओवरऑल हिंज क्वालिटी काफी सही लगी, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ काम करता है तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और वोबलिंग इशू भी मेरे को इसमें नहीं लगा। और वेट की बात करें तो वेट है इसका 1.8 kg के आसपास, तो गेमिंग लैपटॉप्स की तरह 2.5 किलो का वजन सहन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा भारी फील नहीं होगा तुम्हें। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है चार्जिंग पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, दो USB 3.2 Gen 2 टाइप ए वाले पोर्ट्स और एक टाइप सी पोर्ट थंडरबोल्ट 4 के साथ, ये बढ़िया था भाई। राइट साइड में हमारे पास है कैंसिंगटन लॉक, एक USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो और कुछ इंडिकेटर्स। पोर्ट्स के मामले में तुम्हें कोई कमी नहीं मिलती, USB पोर्ट भी तुम्हें 3-3 मिलते हैं सारे बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ, बस एक SD कार्ड का स्लॉट मिसिंग है, वो भी देते तो भाई सोने में सुहागा हो जाता, सहना पड़ेगा। लिड ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड पे अपने पास है कोर i5 और RTX की ब्रांडिंग, राइट साइड में इसके कुछ डेडिकेटेड फीचर्स जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंटर पे अपने पास है एक बहुत ही बड़ा टच पैड जिसकी फिनिशिंग काफी अच्छी है और साइज तो भाई बहुत बड़ा है इसका। और यहाँ पर टच पैड पे तुम्हें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो कि काफी सही काम कर देता है, लगाते ऑन हो जाता है बिल्कुल आराम से। वैसे तो ये फुल टच ट्रैक पैड है और हर जगह से क्लिक हो जाना चाहिए लेकिन मेरे को एक चीज फेस हुई कि नीचे वाला जो एरिया वो तो आराम से क्लिक होता है लेकिन जब ऊपर से क्लिक की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है दबाने में, बाकी ओवरऑल क्वालिटी काफी सही है। फिर आता है अपना कीबोर्ड और ये नमपैड के साथ आता है लेकिन इसका जो नमपैड वाला एरिया वो थोड़ा सा छोटा लगेगा दूसरे लैपटॉप के कंपैरेटिवली, ये भी अलग ही इनोवेशन है भाई साहब। तो एक सिंगल बैकलिट कीबोर्ड है व्हाइट कलर की बैकलिट के साथ। और टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस काफी सही था, टेक्टाइल फीडबैक है और टाइप करने में मजा आ जाता है। अगर तुम ज्यादा टाइपिंग वाइपिंग के काम करते हो तो तुम्हें ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कीबोर्ड के साथ। और यहाँ पर तुम्हें फंक्शन कीज पे भी बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं, एयरप्लेन मोड, माइक्रोफोन ऑन ऑफ, बथेरे हैं भाई साहब। और राइट साइड में यहाँ पर तुम्हें छोटा सा पावर बटन मिलेगा और यहाँ डिस्प्ले के पास भी तुम्हें वेंट्स देखने को मिलते हैं, तो एक वेंट्स यहाँ पर है और एक वेंट्स पीछे की साइड है। फिर आती है अपनी 15.6 इंच की फुल HD 1080p वाली IP
IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ और वही 45% NTSC मिलेगी तुम्हें 62.5% sRGB के इक्वल है जो। तो वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कंटेंट क्रिएटर जिनको अच्छी डिस्प्ले अच्छे कलर्स चाहिए होते हैं उनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर नॉर्मली तुम यूज करते हो कंटेंट कंज्यूमिंग करने के लिए और जो भी अपना काम होते हैं वो सब इसमें आराम से निकल जाएंगे, उस हिसाब से तुम्हें डिस्प्ले में कोई कमी नहीं मिलेगी। और अगर तुम इसकी डिस्प्ले को एक्सटर्नल मॉनिटर में शेयर करना चाहते हो तो टाइप सी और HDMI दोनों से कर सकते हो और दोनों ही पोर्ट IGPU से कनेक्टेड है तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं मिलता डिस्प्ले शेयरिंग का। तो कुछ ऐसी अपने वेबकैम की क्वालिटी, माइक PC का यूज हो रहा है और इसमें कोई नॉइज कैंसिलेशन वगैरह का फीचर है। तो AC और पंखा ऑन है, अब खुद बता देना कि मतलब आवाज एलिमिनेट हो रही है या फिर नहीं और क्वालिटी तुम्हारे सामने है, जैसे मिलेगा बता देना कि मतलब काम चल जाएगा या नहीं मीटिंग में। और हाँ, लाइक नहीं किया ना तो पक्का पता मेरे को नहीं किया होगा, मार दो यार। और हाँ, सब्सक्राइब भी मार दो भाई, लाल बटन ग्रे कर दो, बेल आइकन पे ऑल कर दो। स्पीकर्स की बात करें तो भाई नॉर्मल से एवरेज से स्पीकर लगे मुझे, एक बार तुम खुद भी सुन के देख सकते हो। इस लैपटॉप में हमारे पास आती है 50 वॉट आवर्स की बैटरी, तो सुनने में भी तुम्हें कम लग रही होगी पर मैंने टेस्ट करके देखा था 50-60% ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ करके और एक टाइम पे 2-3 काम करके मैंने चेक किया था कि भाई नॉर्मल यूज करते हैं तो कितना बैकअप मिलेगा। और हाँ, 2-3 घंटे का मैक्सिमम बैकअप इस लैपटॉप में मिल जाएगा। तो हाँ, डेफिनेटली थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से कम है, लेकिन क्योंकि तुम्हें इसमें 4GB का डेडिकेटेड GPU मिल रहा है तो ग्राफिक कार्ड वाले नहीं देते भाई बैकअप, गेमिंग भी नहीं देते, ये कहां से दे देगा। तो ये तुम्हें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अब बात आती है इसकी परफॉर्मेंस की कि भाई इतनी ज्यादा हाइप है, i5 12th जनरेशन के प्रोसेसर चल रहे हैं भाई साहब, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें ऐसा जो 12th जनरेशन में क्या आ रहा है ऐसा खास। तो सीपीयू के लिए मैंने Cinebench R23 टेस्ट किया, सिंगल कोर स्कोर आया अपने पास 1654 और मल्टी कोर स्कोर था 8210। फिर Geekbench 5 का टेस्ट किया मैंने तो उसमें स्कोर आया 1595 और मल्टी कोर स्कोर था 7517 और Geekbench 5 ग्राफिक्स क्वालिटी का स्कोर था 43763। तो ये तो अपने बेंचमार्क, तो दूसरे लैपटॉप के साथ कंपेयर करके देख लेना कि भाई i5 12th जनरेशन कितना तगड़ा परफॉर्म कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। दूसरे प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हो गूगल पे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूं, नॉर्मल काम करते हो ब्राउजिंग या फिर स्टूडेंट के हिसाब से जो काम होते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना, ऑफिस वर्क्स और लगभग जितने भी काम है तुम्हारे बहुत तगड़ी तरीके से हो जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्रोसेसर है ये। और अगर तुम्हें और थोड़े बढ़िया प्रोडक्टिव काम करने हैं जैसे कि अपनी वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग हो गए तो वो भी तुम इसमें आराम से कर सकते हो और 1080p तक वीडियो एडिटिंग बहुत मक्खन हो जाएगी बिल्कुल एकदम। 4K के लिए मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया, बट हां 1080p 60 तक तो बहुत तगड़ी एडिटिंग हो जाती है और फोटोशॉप तो बहुत स्मूथ चलता है तो फोटो एडिटिंग की तो टेंशन ही नहीं है भाई, बहुत हाई लेवल तक भी तुम आराम से कर लोगे। एक और बहुत लोगों का डाउट होता है कि अगर हमारा सस्टेन्ड वर्क फ्लो है यानी कि बहुत लंबे समय तक हम लैपटॉप पे बैठ के काम करते रहते हैं तो क्या ये लैपटॉप झेल पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो काफी हद तक इसमें तुम लंबे समय तक काम कर सकते हो क्योंकि भाई डुअल फैन मिलते हैं, थर्मल इसके बहुत सही है, मैंने टेस्ट करके देखे थे और जनरली तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि बहुत ही ज्यादा हैवी लेवल का काम है तुम्हारे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि इसी बजट के अंदर जो दूसरे गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं तुम उन्हें प्रेफर कर सकते हो क्योंकि उनका हीट मैनेजमेंट इससे भी तुम्हें बेटर ही मिलेगा। ऑब्वियसली यार थोड़े ज्यादा हाई परफॉर्मिंग होते हैं वो। तुम्हें अगर कंफ्यूजन है कौन सा ले तो मैंने आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, मैंने बहुत सारे लैपटॉप कवर कर रखे हैं उनकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और अगर तुम्हारे ग्राफिक ओरिएंटेड काम होने वाला है जिसमें ग्राफिक कार्ड का यूसेज ज्यादा होता है तो फिर तुम्हें मैं इससे ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड रेकमेंड करूंगा, जैसे कि एटलीस्ट 3050 या फिर 3060 भी जा सकते हो अगर थोड़ा और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना है। ये नॉर्मल सा ग्राफिक कार्ड है, इस पे तुम बहुत ज्यादा लोड नहीं दे सकते। गेमिंग इसमें होगी या नहीं क्योंकि भाई RTX का नाम जुड़ा हुआ है ना इसके साथ। गेम टेस्ट देख लो फिर पता चल जाएगा तुम्हें। तो पहले हमने GTA 5 टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पर और तुम देख सकते हो कि भाई आराम से 60-70 तक FPS आ रहे थे, कई बार 70 से ज्यादा भी मिल रहे थे हमें जो कि मेरे को काफी सही लगी भाई। और CPU टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं जा रहा था, ये फिगर्स तो कई गेमिंग लैपटॉप में भी देखने को नहीं मिलते लेकिन ये लैपटॉप डिलीवर कर रहा है तो ये बहुत सही चीज लगी मेरे को। फिर हमने CS:GO टेस्ट किया हाई सेटिंग्स पर और इसके अंदर भाई 150 प्लस FPS आ रहे थे जो कि मेरे को बहुत सही लगा और गेम भी बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा था, बिल्कुल भी लैग वैग कहीं पर भी देखने को नहीं मिला मेरे को और बढ़िया मजा आ रहा था खेलने में। तो बाकी सारी चीजें तुम देख ही सकते हो और मेरे को काफी सही परफॉर्मेंस लगी इसकी इस गेम के अंदर भी। फिर मैंने टेस्ट किया Forza Horizon 5 जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा और हैवी गेम है तो इसके अंदर भी भाई आराम से 70 के आसपास FPS आ रहे थे तो इसका मतलब AAA टाइटल गेम में ये वाला लैपटॉप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा तो तुम लगभग इसमें बड़े बड़े गेम्स काफी सारे खेल पाओगे आराम से, प्लस तुम्हें DLSS का भी फायदा मिल जाएगा। बाकी मेरे को काफी सही लगी इसकी परफॉर्मेंस इस गेम में भी। फिर मैंने Valorant टेस्ट किया
और इसमें भी तुम देख सकते हो आराम से हमें 120 के आसपास FPS मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात ये लगी कि टेम्परेचर किसी भी गेम में इतने ज्यादा हाई नहीं जा रहे, और वैलोरेंट क्योंकि CPU ओरिएंटेड ज्यादा है तो CPU की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो इसमें काफी अच्छी आ रही है, इसी वजह से हमें अच्छे FPS देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की, क्या ये लैपटॉप लेना वर्थ इट है या फिर नहीं, क्या ये हमारे काम निकाल सकेगा या फिर नहीं। तो देखो इंटेल ने अभी अपनी 12th जनरेशन शोकेस करी है, उसका व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है वैसे, हम क्योंकि इवेंट पे गए थे तो उसमें मैंने देखा कि भाई इंटेल ने 12th जनरेशन में बहुत सारी चीजें तगड़ी कर दी हैं और प्रोसेसर बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं इंटेल के इस बार। तो इसके अंदर भी उसी 12th जनरेशन का 1240p प्रोसेसर है। P वाले जो प्रोसेसर है ना वो मतलब एक होती है U सीरीज एक होती है H सीरीज हो जाती है गेमिंग के लिए, और जो U सीरीज है वो बिल्कुल ही थिन एंड लाइट होते हैं ना जो लो पावर वाले लैपटॉप उनके लिए, और ये है P सीरीज वाला। तो P सीरीज का मतलब है कि तुम्हें अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसके अंदर मिल जाएगी, यू समझ लो बीच में आई है, तो उस वजह से ये काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। प्लस इसके अंदर तुम्हें 4GB का ग्राफिक कार्ड भी दे दिया, गेमिंग टेस्ट तुमने देख ही लिए, और वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस में मेरे को कोई कमी लगी नहीं इस लैपटॉप में। और जिस हिसाब से इसका प्राइस है 60 से 70,000 के अंदर तुम्हें कोई भी लैपटॉप अगर कंसीडर करना है जिसमें तुम्हें प्रोफेशनल सा एकदम लैपटॉप मिल जाए, थिन एंड लाइट, कॉलेज वॉलेज में तुम्हें ले जाने में कोई दिक्कत ना आए, हल्का फुल्का भी हो, तो ये लैपटॉप तुम्हारे लिए बना है अगर तुम्हारा ऐसा यूसेज है तो। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई Lenovo IdeaPad Gaming 3 क्यों ना लिया जाए, तो हाँ तुम वो भी प्रेफर कर सकते हो, हमने उसका रिव्यू भी बना रखा है अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो। लेकिन देखो मैं यही कहूंगा कि अगर तुम गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं करते, तुम्हारा कैजुअल सा गेमिंग वाला सीन है, और अगर तुम्हें प्रोडक्टिव काम अच्छे खासे करने हैं, नॉर्मल काम तुम्हारे होते हैं, तुम्हें एक प्रोफेशनल सा अच्छा दिखने वाला एक हल्का फुल्का लैपटॉप चाहिए, गेमिंग क्योंकि थोड़े भारी हो जाते हैं यार, हर किसी का भाई अपना अपना टेस्ट है, तो वो लोग डेफिनेटली इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। तो अगर तुम्हें बाय करना हो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक मिल जाएंगे, खरीदना चाहो तो वहां से जाके खरीद सकते हो भाई। तो आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर दो, अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, और वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो ना, फिर करना चाहिए ये तुम्हें, ये बिना खै कर दिया करो, सब्सक्राइब ठोक दो, लाल बटन ग्रे कर दो, बेल आइकन पे ऑल। तो हम मिलेंगे तुमसे ऐसी किसी फ्रेश कमाल तगड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, गुड डे एंड बाय। चल भाई शुरू है, ओ भाई शुरू कर। खरबूजे की बहन सीधा देने।